स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो कि ना ही सिर्फ राइटर है, कॉमेडियन है, एक्टर है, बल्कि एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है, और वो है सुमेर पसरीचा। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच रोशनी। ओके, सो काफी कुछ सुना है हमने आपके बारे में और काफी चर्चाएं भी हैं आपकी, तो पहले सबसे तो आज हम सारी ही चीजों पे अलग अलग सी बातें करने वाले हैं, तो आई होप आप आज इस रैपिड फायर के लिए पूरी तरह से तैयार है, और कई सारे सवाल और कई सारे खुलासे भी आज हम करने वाले हैं, सो आई होप यू आर रेडी। ओके, या फिंगर्स क्रॉस्ड, मेरे को रैपिड फायर लगता है। जी, पहले सबसे तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं एंड फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, सो एंड आई इवन सॉ कि आपका एजुकेशन जो है वो एमबीए है, सो पहले सबसे मेरा सवाल यही है कि किस तरह से आपने सोचा कि एमबीए करने के बाद आप एज एन यू नो एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह से कदम रखें। बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आने का बिल्कुल सोचा भी नहीं था। एंड बीइंग एमबीए की जो आप बात कर रहे हो वो इसलिए की क्योंकि आई थिंक सो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद हर कोई एमबीए ही करता था तब, एंड एमबीए यूज्ड टू बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन एज कम्पेयर टू द बिजनेस वर्ल्ड। तो मैंने इसलिए की थी, एंड मैंने एंटरटेनमेंट फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आना, आई वोंट से आना नहीं चाहता था, बट कभी सोचा नहीं था, इट जस्ट हैपेंड। तो आज एमबीए का मुझे कोई फायदा हुआ नहीं, इससे अच्छा तो मैं एक्टिंग की क्लास में चला जाता। जी, सो अगर बात की जाए इंस्पिरेशन की, तो हम पूरी वो स्टोरी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से यू नो शॉर्ट में कि आपने डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में आना है और फिर आप अपने रास्ते पर निकल पड़े। वेल, स्कूल टाइम से ही आई हैव बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्वड विद करिकुलर एक्टिविटीज, एंड यही लगता था कि ये हॉबी रहेगी, ठीक है, पैशन है, यही करूंगा। एंड देन स्कूल खत्म हुआ, आई ट्राइड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, आई डिड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस, आई डिड डीवीडी सीडी बेचने का बिजनेस, ग्रेनाइट मार्बल का बिजनेस, ऑड जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स, बिजनेस विद डैड, सारा कुछ कर लिया, बट अल्टीमेटली एक मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आई, एंड देन आई रियलाइज्ड आई थिंक सो एक्टिंग इज द फील्ड वेयर आई विल बी मोस्ट हैप्पी अबाउट। एंड बाय द टाइम आई वाज 30 आई क्विट माय डैड्स बिजनेस एंड आई went to Mumbai, and then everybody knows I started doing various serials and all that stuff. So it took me time to realize what I wanted to do. जे, अगर बात की जाए, you know, कभी-कभी जब कोई आपका जो मकसद होता है, वो आपको मिल जाए, तो उसका आप श्रेय किसी ना किसी को देना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको, कौन है वो शख्स जिसे आप अपने you know, success का श्रेय देना चाहेंगे? So everybody, including my family, shares that success, whether it's my mom, who used to encourage me to participate in all these shows in school, my dad, who gave me the permission to go to Mumbai, and then everybody who came in touch with me to, ek se ek mein ek ladder milti gai. And I think so, kisi ek ka haath nahi hota kisi ki success mein, bahut se log hote hai, so I guess everybody is involved, my family or my friends. जी, हम जानना चाहेंगे कि जब आपके स्ट्रगल वाले यू नो हर एक के लाइफ में वो फेज आता ही है, तो उस टाइम पर कौन सी ऐसी चीज थी या क्या ऐसा यू नो बातें थी जिसने आपको हमेशा यू नो मोटिवेटेड रखा? सी, व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ फील्ड, और रादर आई विल से एनी फील्ड, यू नीड पेशेंस अ लॉट, एंड पेशेंस अगर नहीं होंगे, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वी एंड अप कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद सम अदर पीपल कि देखो वो तो अभी आया और उसकी सक्सेस कितनी जल्दी हो गई। आई थिंक सो विद मी इट वॉज जब मेरा टाइम आएगा, जैसा वो गाना है अपना टाइम आएगा, आई वॉज क्वाइट पॉसिबल, यस आई एम टैलेंटेड, किसी को देर से सक्सेस मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, एज फार एज आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई एम फोकस्ड अबाउट इट, दैट वॉट मैटर्ड द मोस्ट। एंड विद ड्यू कोर्स धीरे धीरे एक से एक बढ़िया काम ही किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एड्स टू सीरियल्स, मम्मी आंटी टू वॉट एवर आई डू नाउ, सो इट टेक्स टाइम, आज आप बिजनेस भी करेंगे तो भी आपको 10 साल लग जाते हैं, सो इट्स आई थिंक पेशेंस होने बहुत जरूरी है, एंड आई नेवर कंपेयर, वी ऑल हैव आवर डिफरेंट जर्नीज, आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद अदर पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली फिर आप या तो फिर नीचे वाले को देख के खुश हो लो या ऊपर वाले को देख के उदास हो जाओ, सो रादर नॉट कंपेयर इट एंड जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज इट इज सेड जो मेरे कर्म का है मुझे ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा, सो इट्स ओके। बात की जाए आपके सारे यू नो करियर ग्राफ के बारे में, तो कई सारी चीजों में आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया है, बात की जाए एक्टिंग में, और अभी आपका एक गाना भी आया हुआ था,
काफी चीजें आप कर चुके हैं, कॉमेडी तो बहुत अच्छी करते ही हैं, एक्टिंग भी काफी अच्छी करते हैं। मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी पम्मी आंटी के बारे में कि मैंने टेट में भी देखा कि आप जैसे ही वहां पर स्टेप करते हो आपका सबसे पहले सवाल यही है कि आप सभी को पम्मी आंटी में क्या और क्यों अच्छा लगा। तो ये सवाल आज मेरा आपसे है कि पम्मी आंटी का जो ये कैरेक्टर है वो आपको करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहन मिला या कहाँ से ये आइडिया आया बेसिकली? ये ऐसे ही मैं अगर फ्रेंकली बोलूं बहुत ही फ्री बैठा था। आई टेकन अ सबैटिकल फ्रॉम टीवी एंड मैंने रैंडमली ये वीडियोस बनाई थी विद गॉड ग्रेस, वो पॉपुलर हो गए। मैंने इसका कुछ सोच के नहीं किया था। कई लोग इसको फ्लूक कहते थे, बट फ्लूक तब होता कि मैं एक ही वीडियो का फेम करता। मैंने 4 साल पम्मी आंटी चलाया, अभी भी कई बार मैं कर देता हूँ, नॉट विद वेरी विद फ्रीक्वेंसी। Pammi aunty is amalgamation of all the people who I have ever come across in my life, whether they are men, women, nani, dadi, maasi, bhua, chachi, jitne bhi mere aaspaas ke rishtedar hai. Pammi aunty mein hai. So I think so, wo jo stories thi, jo main baat hai, wo maine suni hai, logo ko karte dekhi hai. It's more about observance. Maine jo observe kiya, wo maine aap sab ke saamne rakh diya in a hilarious form, ke ye reality hai, ye sachai hai. That's it. Ji. तो अगर किसी अगर हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर जो खुद की कंटेंट खुद से क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उसको धारण कर लेते हैं, तो क्या ये जो कैरेक्टर है वो किसी आपके जाने पहचाने इंसान से या कभी आपने पम्मी आंटी से खुद रूबरू हुए हैं आप कभी? मैंने अभी वही तो बोला, हर सब में एक पम्मी है, मेरे हर रिश्तेदार में एक पम्मी बैठी है, और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, वी ऑल लव टू गॉसिप, वी ऑल हैव डबल फेस, एंड हम सब हिपोक्रेट्स हैं, दैट्स व्हाट पम्मी आंटी इज ऑल अबाउट।